नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मनी पर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप डिलीट किए हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उनको वापस जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों WhatsApp का एक फीचर है जिसमें कोई भी आपको ग्रुप में मैसेज करता है या कोई मैसेज करने के बाद उसको डिलीट कर सकता है। तो ये जो डिलीट का ऑप्शन है, इसके बाद हम लोग उसका मैसेज जो उन्होंने सेंड किया वो नहीं देख पाते, लेकिन हम बताएंगे आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा तरीका जिससे आप कोई डिलीट किए हुए कितने ही बार डिलीट कर दे वो मैसेज, कितने ही भेज के आपको आप सारे मैसेज रीड कर पाएंगे, उनको पूरी तरीके से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आज का यही है हमारा फीचर, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले जो भी दोस्त पहली बार आज हमारे चैनल पर आए उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दोस्तों आप यहां पर एक लाल बटन देख रहे हैं, इसको दबाकर हमारी सदस्यता जरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो रोज देख पाएं। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कैसे आप किसी के भी WhatsApp पर डिलीट किए हुए मैसेज को पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपको इसके लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा, एक छोटी सी ऐप इंस्टॉल करनी होगी एंटी डिलीट, ये आप इजीली सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर तो मिल जाएगी आपको, इसको आप इंस्टॉल कर लें। दोस्तों इससे सिंपली कुछ भी नहीं करना, आप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर होता है सर्विस ऑन करने का, तो आप जैसे ही सर्विस ऑन कर देंगे उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी कोई WhatsApp पर मैसेज डिलीट करेगा आपको सेंड करने के बाद, तो ये ऐप आपको नोटिफिकेशन दे देगी और सारी उस मैसेज की डिटेल भी दे देगी, जैसे सेंडर, टाइम, मैसेज और उन्होंने कब डिलीट किया ये भी, और कौन सा मैसेज डिलीट किया वो भी, और मैसेज भी आपके पास बाकायदा डिस्प्ले होगा, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों यह देख सकते हैं आप, इस टाइप से आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी कोई आपको मैसेज भेजने के बाद डिलीट करेगा। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन ऐप है किसी के भी डिलीट किए हुए मैसेज पढ़ने के लिए। यह आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको डिस्प्ले होगा जो भी मैसेज सामने वाला डिलीट कर देता है। तो दोस्तों बेहतरीन ऐप है, सिर्फ आपको मोबाइल में इंस्टॉल करके रखनी है और आप इजीली किसी के भी डिलीट किए हुए मैसेज आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे, आप उनको पढ़ सकेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर, और भी कुछ जानना हो यहाँ पर कुछ कंडीशन भी है दोस्तों, वो भी आप देख लीजिए। ऑटो स्टार्ट आपको परमिशन देना होगी इस ऐप को, तभी यह इस फीचर को अप्लाई कर पाएगी, अगर आप ऑटो स्टार्ट नहीं देते तो ये नहीं कर पाएगी। साथ ही यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए तभी ये, और जो भी मैसेज ऐप को स्टार्ट करने के पहले डिलीट कर दिए वो भी ये नहीं रिकवर कर पाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और फोटो और वीडियो ये रिकवर नहीं करती है, सिर्फ मैसेज ये ऐप आपको रिकवर करके दे पाएगी। तो दोस्तों बेस्ट ऐप है अगर आप किसी के मैसेज को अगर रीड करना चाहते हैं या चाहते हैं कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो कौन से मैसेज डिलीट करते हैं उनको आप देख सकें, तो ये एक बहुत अच्छी ऐप है, इसको जरूर ट्राई करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ना लगा हो तो डिसलाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत